मैं डॉक्टर श्वेता द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वह है सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से जो कारक हैं वो सामाजिक परिवर्तन ले आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें हम जिन कारकों को देखने वाले हैं उसमें सबसे पहला है फिजिकल और नेचुरल फैक्टर, भौतिक अथवा प्राकृतिक कारक। हम सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक जीव जो है वह प्रकृति से जुड़ा हुआ है और वह अपनी प्रकृति पर प्रभाव, भूगोलवेत्ताओं ने भी ये कहा है कि मनुष्य जो है वह अपनी प्रकृति से प्रभावित भी होता है, जिस प्रकृति में वह रहता है, और उस प्रकृति को प्रभावित भी करता है। इसी प्रकार से प्रकृति में यदि कोई परिवर्तन आता है मनुष्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, और मनुष्य पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ मनुष्य जिस समाज में रहता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और सामाजिक परिवर्तन होता है। दूसरा हम देखते हैं वह है बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जैविकीय कारक। सामाजिक परिवर्तन के प्रकारों में हमने देखा था कि दूसरा है उद्विकास। उद्विकास कहीं ना कहीं से बायोलॉजिकल फैक्टर से भी जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने जिस तरह से अपने उद्विकास की कई अवस्थाएं प्राप्त की और उन अवस्थाओं को प्राप्त करने के साथ ही मनुष्य में और मनुष्य के समाज में काफी परिवर्तन आया। तो ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, जो जैविकीय कारक है, वह भी मनुष्य के और मनुष्य के समाज पर अपना प्रभाव डालता है। और समाज पर प्रभाव डालने के साथ ही अगर हमारे में कोई जैविकीय परिवर्तन आता है, जैविकीय परिवर्तन होने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी हो जाता है। तीसरे बिंदु पे हम जब जाते हैं तो देखते हैं यह है पॉपुलेशन फैक्टर, जनसंख्यात्मक कारक। यदि आज के दौर में देखा जाए तो जनसंख्यात्मक कारक सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारक है। हम देखते हैं कि हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेजी से एक रैपिड चेंज आया, एक तीव्र गति से परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन में कहीं ना कहीं भारत की एक जो बड़ी जनसंख्या है, भारत की बड़ी जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कई लोगों को भारत एक बड़े बाजार के रूप में दिखता है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है। प्रौद्योगिकी रूप से जो संपन्न देश हैं वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उन्हें एक भारत में बहुत बड़ा बाजार मिलता है। उनके प्रोडक्ट के साथ ही कई सारी नई चीजें हमारे समाज में आती हैं और उनके आने के साथ साथ उनके वैल्यूज, उनके कस्टम, उनके बिलीव्स, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से उसके साथ आती हैं और ये सारी चीजें हमारी मानसिकता पे प्रभाव डालती है, हमारे एस्पिरेशन पे प्रभाव डालते हैं, हमारे बिलीफ पे प्रभाव डालते हैं और उसके साथ ही सामाजिक परिवर्तन हमारे यहाँ होता है। अगला है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ये तकनीकी कारक जो है, प्रौद्योगिकी कारक जिसे हम कहें, प्रौद्योगिकी कारक जो है वो कहीं ना कहीं से, अगर अभी हमने जिस उदाहरण को देखा तो पॉपुलेशन के साथ साथ प्रौद्योगिकी का भी है। भारत एक उपनिवेश के रूप में रहा है, कई सारे पहले पुर्तगीज और कई सारे देश आए, उसमें ग्रेट ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में, इंग्लैंड के उपनिवेश के रूप में ये बहुत वर्षों तक रहा है। तो इसका बहुत बड़ा ये कारण था कि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ मशीनीकरण के युग का प्रारंभ हुआ। मशीनीकरण के युग के प्रारंभ होने के साथ ही उन्हें अपने उन्हें माल की खपत के लिए एक बड़े बाजार की जरूरत हुई। भारत संसाधनिक रूप से संपन्न तो था ही, साथ ही एक यहाँ की जो बड़ी जनसंख्या है वो उनके प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, उनका प्रोडक्ट को उतारने के लिए एक बड़ा बाजार थी। तो अभी भी हम देखते हैं कि चाइना, जो कि प्रौद्योगिकी में हमसे बेहतर है, उनको अपना वो प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए, या फिर और जो विदेशी कंपनियाँ, उनको अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए भारत एक बहुत अच्छा बाजार दिखता है। तो ये तकनीकी का प्रभाव, ये जो तकनीकी आने से बहुत सारे जो परिवर्तन हुए हैं, तकनीकी का अगर हम प्रौद्योगिकी के रूप में देखें तो प्रौद्योगिकी के साथ ही हमारी अधिकतर जो जनसंख्या है, जो कि पहले गांव में रहा करती थी, उसने शहरों की ओर माइग्रेट किया, वो शहरों की ओर उसने पलायन किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक मशीनीकरण के प्रारंभ के साथ, मशीनों के आने के साथ ही वहाँ पे कल कारखानों की स्थापना हुई और बहुत बड़े बड़े औद्योगिक नगर बसे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज आए, और इसके साथ ही जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज आए। अगला जो है हमारा सांस्कृतिक कारक। हमने देखा कि जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं से समाज ही है, क्योंकि संस्कृति और समाज के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हमने देखा था कि व्यवहार में, अपने अर्थ में, जो संस्कृति है वो
कहीं ना कहीं से समाज से जुड़ी हुई है, और संस्कृति ही एक तरह से समाज है, क्योंकि संस्कृति जो है, अभौतिक संस्कृति की बात करें तो ये हमारे रहने सहने का तरीका है, हमारे बिलीव्स हैं, हमारे वैल्यूज हैं, और तो इन संस्कृति का हमारे समाज पे बहुत प्रभाव पड़ता है। साथ ही भौतिक संस्कृति का भी हमारे समाज पे, हमारा जो समाज है वो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति से दोनों से मिल के बना होता है। तो इनमें परिवर्तन आने के साथ ही हमारे समाज पे परिवर्तन आता है। संस्कृति में जैसे ही परिवर्तन आता है, संस्कृति में परिवर्तन आने के साथ ही हमारे समाज में भी परिवर्तन आता है। अगला है न्यू इन्वेंशंस, यानी कि नए आविष्कार। जिस तरह से जितनी तेजी से हमारे यहाँ नए आविष्कार आते हैं, नए इन्वेंशन आते हैं समाज में, उतनी तेजी से हमारा समाज परिवर्तित होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारा जो समाज का दायरा है वो समाज का दायरा बढ़ने लगता है। इसके एग्जाम्पल में हम रेडियो के, टीवी के, और वर्तमान समय में मोबाइल फोन के आने से जितना परिवर्तन आया है हमारे समाज में, हम उन्हें देख सकते हैं। अगला हम फैक्टर देखें तो है वॉर फैक्टर, कि युद्ध कारक। युद्ध जो है सामाजिक परिवर्तन में, स्ट्रक्चरल चेंज ले आने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इराक पर जो अमेरिका द्वारा आक्रमण किया गया, युद्ध हुआ, उसके बाद वहां पे काफी सामाजिक परिवर्तन है। एक पूरी सोशल हायरार्की, जो स्तरीकरण है हमारे यहाँ, वो पूरा सोशल जो हायरार्की है उसमें परिवर्तन आता है, और सोशल हायरार्की के साथ साथ सोशल मोबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह से हमारे जो एक युद्ध कारक है वह भी हमारे समाज में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला है रिलीजियस फैक्टर, धार्मिक कारण। धर्म कहीं ना कहीं से हमारे जीवन पे, हमारे जीवन में है, हम पर बहुत अधिक प्रभाव डाले हुए है। तो जिन धर्मों में अधिक स्वतंत्रता मिलती है, हम देखते हैं कि वहां पे परिवर्तन अधिक होता है। जिन धर्मों के द्वारा स्वतंत्रता के लिए उतनी छूट नहीं दी गई है, स्वतंत्रता नहीं दी गई है जिन धर्मों में, वहां पर हमें उन समाजों में सामाजिक परिवर्तन की गति जो है वो मंद होती है, सामाजिक परिवर्तन मंद गति से होता है। तो इस तरह से रिलीजियस फैक्टर यानी धार्मिक कारक सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारक है। लीगल फैक्टर, कानून, नए कानून पास होते हैं तो उनके द्वारा समाज में परिवर्तन आता है। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे समाज में नहीं थी और उन पे अगर कानून बन गए, उनको हमने अडॉप्ट किया, उनको अडॉप्ट करने के साथ ही हमारे समाज में एक परिवर्तन आया। और लास्ट में देखें तो अंतिम है पॉलिटिकल फैक्टर, राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण भी स्ट्रक्चरल चेंज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम ये जानते हैं कि फंक्शनल चेंज जो होता है वो क्रमिक रूप से होता है, रहता है, वो हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे रहन सहन में, हमारे आदतों में, हमारे कपड़े में, हमारे विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। ये हमारे फंक्शनल चेंज में आते हैं, और फंक्शनल चेंज होने के साथ साथ पूरा स्ट्रक्चरल चेंज होता है, पूरी संरचनात्मक परिवर्तन हो जाता है। तो जो राजनैतिक कारक है ये पूरा स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं, एक बार में पूरी संरचना को परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार से हमने समाज में परिवर्तन लाने वाले विभिन्न कारकों को देखा।